मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। दोस्तों, एक पेनी शेयर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ अगर हाईएस्ट लेवल देखें तो 35 रुपये, 35 रुपीज़ से अभी 58 पैसे के आसपास आपको, अराउंड 50 पैसे के आसपास आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो को डिटेल में बातचीत करेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कौन सा स्टॉक है, क्या करना चाहिए, इसमें फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है, कितना कमज़ोर है, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। एंड साथ ही साथ इस वीडियो में ही एक आपको और स्टॉक मैं बोनस में देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। बीच में अगर कहीं भी आप छोड़ते हो ना, तो आपको वो स्टॉक जो मैं बताने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं आप मिस कर दोगे मेरे भाई। तो ये बोनस स्टॉक होगा, ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिएगा। बीच में मैं कहीं भी स्टॉक का नाम ले सकता हूँ। अभी बात करेंगे स्टॉक के बारे में। पेनी शेयर है एक, तो डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करेंगे। भैया, पेनी शेयर्स होते हैं रिस्की। आपको डराने का मेरा मकसद नहीं है, आपको समझाने का मेरा मकसद है। अगर आप डर के काम करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। आप समझ के काम करोगे, अपने रिस्क को कैलकुलेट करके काम करोगे। आपको पता होगा ना कि ये मैं पानी में छलांग लगाने जा रहा हूँ और ये जो नदी है, ये जो समुद्र है, ये तालाब है, इतना गहरा है, अगर मैं डूबता हूँ तो आपके साथ क्या हो सकता है। जब ये चीज़ें पता होती है तो उसे हम कैलकुलेटिव रिस्क कहते हैं, वो हम लेने जा रहे हैं। अब हमें तैरना आता नहीं है, हम झम से कूद जाए पानी में, या हमें मैं कहता हूँ पैराग्लाइडिंग नहीं आती है, हम ऊपर से कूद जाए, तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। अगर हम कोई चीज़ जान कर समझ कर करते हैं, उसे हम कैलकुलेटिव रिस्क कहते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ नाम देख के फट से कोई भी शेयर को बाय मत करो। उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, मेरे से पूरा नॉलेज लो, एक नोट बना लो, साथ के साथ लिख लो मैंने क्या नॉलेज दी, फिर कुछ अपने आप भी कोशिश करो। कंपनी की वेबसाइट पर जाओ, कंपनी ऑपरेशन में है या नहीं है वहाँ से नंबर निकालो, उनको फ़ोन करो, कॉल करो। क्यों? क्योंकि ये जो छोटे छोटे शेयर्स हैं उनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता। अब अगर मैं टाटा कंज्यूमर की बात करूँ, टाटा कंज्यूमर को क्या हमें चेक करना पड़ेगा कि कंपनी वर्किंग में है कि नहीं? नहीं, बाज़ार में जाएंगे, टाटा का चाय पत्ती खरीदेंगे, वैसे समझ में आ जाएगा हाँ कंपनी वर्किंग में, इसलिए तो टाटा का चाय पत्ती मिल रहा है ना। तो लेकिन अब जो छोटे छोटे शेयर्स हो, जैसे PMC फिनकॉप है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे PMC फिनकॉप है, PMC फिनकॉप वर्किंग में है या नहीं हम कैसे पता करेंगे? हमें तो उसके बारे में कुछ नहीं पता कि हाँ कंपनी है, कहाँ ऑफिस है। आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं टोल फ्री नंबर पर उनके कॉल करूँगा, कस्टमर बन के फ़ोन करूँगा, वो अभी सर्विस दे रहे हैं कि नहीं, वर्किंग में है कि नहीं, क्या काम है उनका, है ना, टोटल हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह से ही मैं कहता हूँ कि दोस्त, पहले अच्छे तरीके से परख लो, फिर पैसा। इससे आपके होमवर्क, अब आप सोचोगे यार 500 रुपया लगाना है, कौन इतना सिरदर्दी, भाई यही सिरदर्दी, आज 500 लगा रहे हो, कल 5 लाख लगाओगे, परसों 5 करोड़ लगाओगे। यार शेयर बाजार में इतना पैसा है ना, इतना पैसा है ना, अगर आप सही ढंग से उसको यूज़ करो, स्टॉक मार्केट का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो ट्रेडिंग है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसको आप सही ढंग से, अगर पेनी शेयर्स में भी हम सिर्फ ट्रेडिंग करके पैसा बनाते हैं, 2 दिन 5 दिन 7 दिन में हमें हमारे पैसे डबल हो रहे हैं, तो भी देखो आप इतना पैसा बना लोगे कि आपको अंदाजा भी नहीं है मेरे दोस्त कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ भाई, चीज़ों को समझो, चीज़ों को सीखो। आज 500 लगाओगे, कल 5000 लगाओगे, फिर 5 लाख लगाओगे, फिर 5 करोड़ लगाओगे, राइट? इसलिए मैं हमेशा यही बात आपको समझाता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। ये वाला जो पार्ट था जो हमने अभी डिस्कस किया, ये इतना ही इंपॉर्टेंट था जितना कि हम कंपनी के बारे में जानेंगे। क्योंकि जब ये चीज़ आपका माइंड सेट ही नहीं क्लियर होगा ना, आपको पता ही नहीं होगा ना आप करने क्या जा रहे हो, तो भाई नहीं मजा आएगा। मैं तो सोच रहा हूँ यार, जो बेसिक्स है ना लोगों को, बहुत सारे लोगों को शेयर बाजार में आए हैं, उनको क्लियर ही नहीं है। पेनी स्टॉक्स में ट्रेडिंग तो करना चाहते हैं, निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको क्लियर ही नहीं है। वो लगातार अपने पैसे को खो रहे हैं, डुबो रहे हैं, या फिर आर पावर में, आर कॉम में थोड़ा सा रिटर्न मिल गया 400-500% का, तो पागल हो गए और लाख लाख रुपये शेयर में लगा रहे हैं, और सारे के सारे पैसे वो अपना मिट्टी करने वाले हैं। मैं एक डिटेल बेसिक कोर्स टाइप का बनाना चाह रहा हूँ पेनी शेयर्स के ऊपर। अगर आप लोग इसे यस लिखते हो तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट देने का। अगर हमारा 50,000 सब्सक्राइबर होता तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपने चैनल पे ही अपलोड करूंगा ये वीडियो। कंपनी के बारे में जानते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल्स की तरफ चलेंगे कंपनी के, और मैं तो गाइस मैं आ गया हूँ कंपनी के फंडामेंटल में। बहुत सारे लोगों को नाम पता लग गया होगा, हाँ बिल्कुल, PMC फिनकॉप का भाई ही समझ लीजिए आप, PMC फिनकॉप का जो काम है उस तरह का ही काम है। तो बहुत सारे लोगों को नाम पता लग चुका है। तो गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें, 13 करोड़ का मार्केट कैप है, 56 पैसा प्राइस चल रहा है, जो कि हमने पहले ही देख लिया। स्टॉक का PE बात करें तो यहाँ पर कुछ अवेलेबल नहीं है, लेकिन बुक वैल्यू देखें तो 1.18 रुपये, भाई मज़ेदार है। 1.18 रुपये का शेयर सिर्फ 56 पैसे में मिल रहा है। पेनी शेयर है, बेस्ट पेनी शेयर मैं कह सकता हूँ, तो क्यों ना परचेज करूँ। नाम पता लग गया है आपको, शार्प इन्वेस्टमेंट का नाम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे,
और यहाँ पे मैं इसकी वेबसाइट को भी ओपन करने की कोशिश कर ले रहा हूँ, तो देख लेता हूँ मैं वेबसाइट ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा। हो गया, बिल्कुल यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हो कंपनी कामकाज क्या करती है, कंपनी का सर्विस क्या है ना, यहाँ पर सारा कुछ आप देख सकते हो। होम देख सकते हो, इंक्वायरी पे क्लिक करके देख सकते हो। तो यहाँ पे कंपनी काफ़ी पुरानी कंपनी है, काफ़ी देर से कंपनी लिस्टेड है NBFC के अंडर में। तो चीज़ें अच्छी लग रही है मुझे, मैंने जो रिसर्च किया, जो ज़रूरत की चीज़ें थी मैंने देखा, मुझे अच्छी लगी। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है, और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 24 करोड़ है, जो कि मोर देन मार्केट कैप से। मार्केट कैप 13 करोड़ है कंपनी का, लेकिन मार्केट कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 24 करोड़ का है। और जब NBFCs को हम देखते हैं, उसका वैल्यूएशन निकालते हैं ना, तो उनके इन्वेस्टमेंट को भी हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो ये एक अच्छी मुझे अपॉर्चुनिटी लग रही है। और यहाँ पर अगर देखें तो भाई क्वार्टरली रिजल्ट डावाडोल है, कंपनी में इतना ज़्यादा कामकाज आपको नज़र नहीं आ रहा, ज़्यादातर कंपनी लॉसेस उठा रही है 1 लाख रुपए की। देखते हैं आगे आने वाले टाइम में कंपनी किस तरह से चलती है, और शायद से यहाँ पर प्रॉफिटेबल होती हुई कंपनी नज़र आ जाए, क्योंकि जिस तरह से फिनांस का क्रेज़ बढ़ रहा है लोगों के अंदर में, लोग कमाएंगे, इन्वेस्टमेंट का नज़रिया बढ़ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, लोन्स भी लेंगे, सारा कुछ चीज़ें सामने आएंगी। तो यहाँ पर मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पर अगर बात करें कंपनी की बोरिंग तो जीरो है भैया, कंपनी जो है डेट फ्री रहना ज़्यादा पसंद करती है। 2007 में 5 करोड़ का कर्जा था, उसके बाद लगातार अगर देखें तो कंपनी का जो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है बोरिंग, वो जीरो ही नज़र आ रहा है। रिजर्व कंपनी के पास 4.5 करोड़ का रिजर्व भी पड़ा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है, प्लस में रिजर्व है। और साथ ही साथ अगर यहाँ पर देखें, मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न तो भी अच्छा मुझे लग रहा है। 46% जो प्रमोटर्स के पास है, 46% स्टॉक प्रमोटर्स के पास पड़ा है। वहीं पब्लिक के पास अगर बात करें तो भैया 53% बढ़ा है। तो वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी पॉजिटिव मुझे लगा शार्प इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। अगर आप चाहो तो इसमें निवेश कर सकते हो। मैं अगर यहाँ पर आपको मंथली चार्ट पे थोड़ा सा और मैं दिखाना चाहूँ तो मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं प्लस पे साइन पे क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, तो आपको मैं कुछ लेवल्स यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली। तो मैं ये देखिए, अब देखिए स्टॉक जो है अगर ये 75 पैसे के ऊपर निकल जाता है तो एक बड़ा मूव आपको मिलने वाला है। अगर 75 पैसे के ऊपर मिल जाता है, आपको बाइंग कहाँ करना है, आपको यहाँ बाइंग नहीं करना है, थोड़ा सा रुकिए। 75 पैसे तक अगर जा रहा है या फिर 60 पैसे तक भी जा रहा है और वहाँ से एक रिवर्स लोअर सर्किट लगाता है, फिर उस लोअर सर्किट में आपको वॉल्यूम एनालाइज करते हुए बाय करना है। ऐसे बीच में नहीं कूद जाना है कि आज देख लिया कल उठा लिया। उठाना है 100 रुपये 50 रुपये का उठा लो सीखने के लिए, लेकिन अगर मैं बाप बाप को बात करूँ तो एक बार अपर सर्किट का सिलसिला ख़त्म करना है। अपर सर्किट में कभी भी किसी स्टॉक को नहीं लेना चाहिए, देखिए लगातार ऊपर ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो अपर सर्किट का सिलसिला एक बार ख़त्म होता है और एक बार लोअर सर्किट में स्टॉक आता है और नीचे के लेवल्स दिखाना शुरू करता है तो आपको बाइंग करना है ना। ये इस तरह से मान लेते, इस तरह का एक पैटर्न बनाता है और इस तरह से नीचे आता है तो हम यहाँ पर कहीं बाइंग करेंगे, और हो सकता है थोड़ा नीचे आए फिर एक आपको प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता हुआ नज़र आ जाए। होप करता हूँ भैया आप चीज़ों को समझ पाए हो। फंडामेंटल मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा। आप एक बार चाहो तो यहाँ पर रिवाइज कर सकते हो, चीज़ें पॉजिटिव हैं। मार्केट कैप 13 करोड़ का है, कंपनी डेट फ्री है, बुक वैल्यू से नीचे मिल रहा है, और इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास 24 करोड़ का है, जो कि अच्छी चीज़ें हैं। कुछ कॉन्स भी हैं, हर कंपनी में होता है। अगर पीयर कॉन्स नहीं होता, सब कुछ प्रो होता तो ये पेनी शेयर ही क्यों होता, फिर तो ये 5,000 का चल रहा होता। गलत बोल रहा हूँ तो बता दो मुझे, 5,000 का शेयर ये होता भाई अगर सब कुछ सही चल रहा है, 200 का होता या 500 का, तो पेनी शेयर ना होता मेरे कहने का मतलब। तो यहाँ पर अगर देखें तो कुछ कॉन्स भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। होप करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, वीडियो बढ़िया लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।